तमाम लोग ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले ही दिन से यहाँ के बीडीओ साहब के द्वारा जो बंसाती की एफआईआर कर देंगे, उनकी ये मंशा नहीं थी कि इस आंदोलन को वार्ता से खत्म करना है, बल्कि इन्होंने धमकी से ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी कि आप लोग अपने आप को यहाँ से हटा ले ना तो एफआईआर कर देंगे। आज वो अपने मकसद में कामयाब है, उन्होंने एफआईआर किया है, क्योंकि चोरों के साथ उनके भी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं रहती तो आज सातवां दिन आंदोलन का है, और जिस चीज पर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे वो पोखर है, तो वहाँ तक ये नहीं जा पाए, सातवें दिन तक ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन आंदोलनकारी पर इन्होंने एफआईआर किया है। आप ये जान लीजिए कि आंदोलन किसी एफआईआर से डरती नहीं है। हमारे मनोज मंजिल भी विधायक हैं, तमाम जो विधायक हैं वो आंदोलन के उपज हैं, और आंदोलन से अगर आप किसी चीज को पीछे धकेलना चाहिएगा तो वो और आगे बढ़ता है। यहाँ कोई फौज नहीं है, फौज की ध्वज से अपनी हमारे आंदोलन की आवाज को दबाइएगा। ये जानिए कि जितना आंदोलन की आवाज को दबाने की कोशिश कीजिएगा वो आवाज और आगे बढ़ती जाएगी, ये आंदोलन का एक नियम है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी शिकवा शिकायत से हम लोगों ने मांग किया। तमाम लोग भी आप थोड़ी दूर पर हैं, एनएच के उस पार चले जाइए, आपको हमारे पंचायत का सड़क नजर आ जाएगा कि आप पैदल वहां पे नहीं चल सकते हैं। नल जल योजना का पैसा उठ चुका है, आप जाके देखिए कि सीधे पाइप खड़ा है, पानी नदारत है, तो उस पर एफआईआर करने के बजाय जो लोग पंचायत के विकास के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं उन पर एफआईआर आपने किया है। और ये आप जानिए कि जो एफआईआर आपने किया है या जिस आंदोलन को आप दबाना चाहते हैं उस आंदोलन पर आपको काम करना पड़ेगा, और जो ये झूठा एफआईआर आपने दर्ज किया है उसको आप ही को वापस लेना पड़ेगा। यही चैलेंज हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से आपको कर रहे हैं। इतना ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करते हुए क्रांतिकारी लाल सर।